हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित संजौली मस्जिद एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। इस बार इसके सुर्खियों में आने की वजह ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता शोएब जमुई का वीडियो है। शोएब जमुई ने संजौली मस्जिद में वीडियो बनाकर एक बार फिर विवाद को तूल दे दिया है। वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश सरकार से सख्त एक्शन लेने की मांग की है। दरअसल हिमाचल सरकार के मंत्री भी वीडियो को भड़काऊ साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। वहीं शोएब जमुई ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा है। शोएब जमुई ने वीडियो में सवाल उठाया है कि जब आसपास मौजूद दूसरी इमारतों की हाइट भी उतनी ही है तो फिर मस्जिद पर ही उंगली क्यों उठाई जा रही है। अपने वीडियो में जमुई कहते हैं कि ये बताइए जितनी हाइट पे मस्जिद है लगभग उसी हाइट पे दूसरी भी बिल्डिंग है, ये आप देख सकते हैं, वो आप झंडा लगा हुआ देख रहे हैं उससे भी ज्यादा हाइट है, तो अगर ये अवैध निर्माण है बाकी वैध कैसे हो जाए, ये कमाल की बात है। इसलिए वैध और अवैध का पैमाना तय करना पड़ेगा और ये कोर्ट तय करेगा, लोग तय नहीं करेंगे। अगर वैध और अवैध का पैमाना ऐसे तय किया जाएगा तो फिर 7,000 जो चिन्हित है उनका क्या करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि मस्जिद कमेटी ने जमई के बयान से किनारा करते हुए उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दिया। मस्जिद कमेटी का कहना है कि शोएब केवल नमाज पढ़ने के नाम पर आए थे और ऊपर की मंजिल पर चढ़कर वीडियो बना ली। मस्जिद कमेटी ने शोएब को बीजेपी का एजेंट करार देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी लोगों को आकर अपनी राजनीति चमकाने की जरूरत नहीं है। मस्जिद कमेटी ने सफाई दी कि इस मामले में किसी भी सियासी पार्टी का दखल नहीं होने दिया जाएगा। बता दें कि शोएब जमई के वीडियो से बीजेपी आग बबूला है, उसने इसके लिए हिमाचल सरकार पर सवाल खड़े किए और शोएब पर एक्शन की मांग की है। इस पूरे एपिसोड में हिमाचल सरकार के मंत्री भी बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं। कांग्रेस नेता और हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जमाई के वीडियो बनाने पर कहा है कि ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। बता दें कि संजौली मस्जिद का मामला फिलहाल कमिश्नर की कोर्ट में लंबित है। वहीं हिंदू संगठन सवाल कर रहा है कि जहां स्थायी नागरिकों को भी जाने की इजाजत नहीं है वहां शोएब जमुई कैसे पहुंच गए। वहीं शोएब जमुई ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा कि मुझे ऐसा लगता है कि एक अकेले शोएब जमुई से कांग्रेस और भाजपा दोनों को दिक्कत है। क्या सरकार के मंत्री जी और क्या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सब मुझे चुप कराना चाहते हैं। मैं बाहरी नहीं भारतीय हूँ, उनको इस बात का एहसास है कि अगर मामला जनहित याचिका तक पहुँच गया तो जितने भी दूसरे अवैध निर्माण हैं सब खतरे में आएंगे। और इस बात का जिक्र तो खुद पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सदन में किया था। शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में CPM नेता कॉमरेड विनोद जी ने जो बात कही ठीक वही बात हमने भी कही थी। कोई बिल्डिंग वैध है या अवैध ये कोर्ट तय करेगा, कोई भीड़ तय नहीं करेगी और इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।